हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले 17 अक्टूबर 2018 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे ही जाते हैं। अब जो एग्जाम में करंट अफेयर्स का वेटेज है वो बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार विजिट किया है इस चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं 17 अक्टूबर 2018 के करंट अफेयर्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर हमें आज डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने किस राज्य के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है। प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज NSE ने उत्तराखंड सरकार के लिए MSME को पूंजी तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और यह बाजार जागरूकता बढ़ाकर SME और स्टार्टअप को पोषित करने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। NSE के SME प्लेटफॉर्म में वर्तमान में 182 कंपनियां सूचीबद्ध हैं जो एक साथ 2,850 करोड़ रुपए से ज़्यादा जुटा चुकी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ NSE की बात हो रही है और उत्तराखंड की बात हो रही है, तो दोनों के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं NSE के बारे में। NSE का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी जो स्थापना हुई है वो है 1992 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और NSE का जो CEO है वो है विक्रम लिमाये। तो इतना पॉइंट आपको NSE से भी याद रखने। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून। उत्तराखंड के जो CM है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्या। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट उत्तराखंड से कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो उत्तराखंड में। तो इतने पॉइंट आपको उत्तराखंड से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कहाँ एक कोरियाई युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में एक कोरियाई युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। 1953 में समाप्त हुए युद्ध में भारत की भूमिका का जश्न मनाने के लिए नई दिल्ली में एक कोरियाई युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। भारत में कोरियाई युद्ध वेटरन्स एसोसिएशन द्वारा स्मारक बनाने का विचार प्रस्तावित किया गया था। और फ्रेंड्स, अभी तक दुनिया भर के लगभग 20 देशों में कोरियाई युद्ध स्मारक है। कितने? 20 देशों में कोरियाई युद्ध स्मारक है जिन्होंने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर न्यू दिल्ली है, तो दिल्ली के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली के जो CM है वो है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बैजल, और मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ है? ये सब न्यू दिल्ली में। तो इतने पॉइंट आपको दिल्ली से याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने अंतरिक्ष में 2 बेरिडो 3 नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन ने अपने सैटेलाइट नेविगेशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अंतरिक्ष में 2 बेरिडो 3 नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और उपग्रह को लॉन्ग मार्च 3B वाहक रॉकेट से लॉन्च किया गया था। लॉन्ग मार्च 3B वाहक रॉकेट से लॉन्च किया गया था और यह लॉन्च लॉन्ग मार्च रॉकेट श्रृंखला का 287वां मिशन था। कौन सा? 287वां। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यह भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर चीन है, तो चीन के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चीन की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। चीन की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी, द चाइनीज युआन ऑल्सो नोन एज रेनमिनबी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। और चीन के जो प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग। तो इतने पॉइंट आपको चीन से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कहाँ भरोसा महिला केंद्र का उद्घाटन किया गया।
तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद में हैदराबाद पुलिस द्वारा हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बच्चों के समर्थन के लिए 24 घंटे संचालित अत्याधुनिक केंद्र भरोसा का उद्घाटन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और केंद्र इन महिलाओं की मदद करेगा और POCSO मामलों का निपटारा भी करेगा। केंद्र पूर्ण रूप से महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाता है और यौन उत्पीड़न या यौन शोषण का सामना करने वाली महिलाओं को परामर्श प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर हैदराबाद है। तो हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। तो तेलंगाना के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। तेलंगाना के जो CM है वो है के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के जो गवर्नर है वो है ESL नरसिम्हन। तो इतने पॉइंट आपको तेलंगाना से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद सारथी योजना के तहत राज्य के 8.5 करोड़ से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने खाद्य साथी योजना के तहत राज्य के 8.5 करोड़ से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस योजना के अनुसार लोगों को दो रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से चावल और गेहूं मिलेगा। खाद्य साथी योजना 27 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की जो CM है वो है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर है वो है केशरी नाथ त्रिपाठी। तो इतने पॉइंट आपको वेस्ट बंगाल से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह दिन वैश्विक भूख की समस्या से निपटने के लिए समर्पित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। और 2018 का जो विषय है वो है हमारे कर्म हमारा भविष्य। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और रिपीट करता हूँ, हमारे कर्म हमारा भविष्य। खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना तिथि के सम्मान में हर वर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1945 में FAO खाद्य और कृषि संगठन स्थापित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कहां युवा सड़क सुरक्षा शिक्षार्थी लाइसेंस कार्यक्रम शुरू किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने नई दिल्ली में युवा सड़क सुरक्षा शिक्षार्थी लाइसेंस कार्यक्रम शुरू किया है और यह कार्यक्रम किसके सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो वो है DIGO इंडिया और रोड ट्रैफिक एजुकेशन संस्थान के सहयोग से संचालित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। और इसका जो उद्देश्य है वो है शिक्षार्थी लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय युवा चालकों के लिए औपचारिक और संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको इस पॉइंट से याद रखना है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर न्यू दिल्ली है। तो दिल्ली के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली के जो CM है वो है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बैजल। फ्रेंड्स हम दिल्ली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप आप सभी को ये पॉइंट्स याद हो गए होंगे। मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ है? ये सब न्यू दिल्ली में। तो इतने पॉइंट आपको दिल्ली से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत कितने करोड़ रुपए की पुरस्कार योजना की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 100 करोड़ रुपए। सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की पुरस्कार योजना की घोषणा की है। राज्यों के विद्युत विभाग स्तर पर 100% घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और 31 मार्च 2019 तक, कब तक? 31 मार्च 2019 तक देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सितंबर 2017 में सौभाग्य शुरू की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत कितने बिलियन डॉलर की सरकारी प्रतिभूतियां G-Sec खरीदेगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 120 बिलियन डॉलर। 120 बिलियन डॉलर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह घोषणा की है कि वह ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत 120 बिलियन डॉलर की सरकारी प्रतिभूतियां G-Sec खरीदेगा। भारतीय रिजर्व बैंक प्रणाली से तरलता निकालने के लिए G-Sec बेचता है और प्रणाली से तरलता लाने के लिए G-Sec वापस खरीदता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स यहाँ आरबीआई की बात हो रही है, तो आरबीआई के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की जो स्थापना हुई है वो है 1 अप्रैल 1935 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। इसके जो फाउंडर है वो है ब्रिटिश राज, और आरबीआई के जो गवर्नर है वो है उर्जित पटेल। तो इतने पॉइंट आपको आरबीआई से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में निवेश पर संयुक्त अरब अमीरात भारत उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य बल की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। निवेश पर संयुक्त अरब अमीरात भारत उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य बल की 6ठी बैठक मुंबई में आयोजित की गई। भारत जल्द ही निवेश को सुविधाजनक बनाने और दोनों देशों के बीच व्यावसायिक मुद्दों को हल करने के लिए एक विशेष यूएई डेस्क स्थापित करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है, यूएई की बात हो रही है, और मुंबई इसका आंसर है। तो दोनों के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के। यूएई की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। यूएई की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम, और यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो है खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो इतने पॉइंट आपको यूएई से याद रखने। अब फ्रेंड्स वहाँ आंसर मुंबई था, तो मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है देवेंद्र फडणवीस, और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वो है सी विद्यासागर राव। तो इतने पॉइंट आपको महाराष्ट्र से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में नोकिया ने किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलिया भट्ट को भारत में नोकिया फोन के लिए नई ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। त्योहारों के मौसम को चिन्हित करने के लिए आलिया भट्ट के साथ एक प्रिंट अभियान शुरू किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और 2018 की शुरुआत में नोकिया ने परिणीति चोपड़ा को अपने मोबाइल फोन के चेहरे के रूप में नियुक्त किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स यहाँ नोकिया की बात हो रही है, तो नोकिया के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नोकिया की जो स्थापना हुई है वही 12 मई 1865 में। नोकिया का जो हेडक्वार्टर है वो है इस्पो फिनलैंड में, और नोकिया के जो सीईओ है वो है राजीव सूरी। तो इतने पॉइंट आपको नोकिया से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स जितने पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं उसका हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, एक बार हम उन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंड्स हम लोग एनालिसिस इसलिए करते हैं जिससे जितने पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए वो आपको अच्छे से याद हो जाए। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। फ्रेंड्स मैं आपको हर दिन कहता हूँ कि मॉर्निंग में आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें और रात में उसका एनालिसिस जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एनालिसिस। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में कहाँ एक कोरियाई युद्ध स्मारक बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में एक कोरियाई युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। 1953 में समाप्त हुए युद्ध में भारत की भूमिका का जश्न मनाने के लिए नई दिल्ली में एक कोरियाई युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। भारत में कोरियाई युद्ध वेटरन्स एसोसिएशन द्वारा स्मारक बनाने का विचार प्रस्तावित किया गया था। और फ्रेंड्स अभी तक दुनिया भर के लगभग 20 देशों में कोरियाई युद्ध स्मारक है। कितने? 20 देशों में कोरियाई युद्ध स्मारक है जिन्होंने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब फ्रेंड्स इसका आंसर न्यू दिल्ली है, तो दिल्ली के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बैजल। और मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ है? ये सब न्यू दिल्ली में। तो इतने पॉइंट आपको दिल्ली से याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में किसने अंतरिक्ष में 2 बेरिडो 3 नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन इसका राइट आंसर हो
हो जाएगा। चीन ने अपने सैटेलाइट नेविगेशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अंतरिक्ष में 2 बेरिडो 3 नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और उपग्रह को लॉन्ग मार्च 3B वाहक रॉकेट से लॉन्च किया गया था। लॉन्ग मार्च 3B वाहक रॉकेट से लॉन्च किया गया था और यह लॉन्च लॉन्ग मार्च रॉकेट श्रृंखला का 287वां मिशन था। कौन सा? 287वां। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर चीन है, तो चीन के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चीन की जो कैपिटल है वो है बीजिंग, चीन की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी, द चाइनीज युआन ऑल्सो नोन एज रेनमिनबी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। और चीन के जो प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग। तो इतने पॉइंट आपको चीन से भी याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में कहाँ भरोसा महिला केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद में हैदराबाद पुलिस द्वारा हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बच्चों के समर्थन के लिए 24 घंटे संचालित अत्याधुनिक केंद्र भरोसा का उद्घाटन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और केंद्र इन महिलाओं की मदद करेगा और POCSO मामलों का निपटारा भी करेगा। केंद्र पूर्ण रूप से महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाता है और यौन उत्पीड़न या यौन शोषण का सामना करने वाली महिलाओं को परामर्श प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर हैदराबाद है, तो हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। तो तेलंगाना के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद। तेलंगाना के जो CM है वो है के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के जो गवर्नर है वो है ESL नरसिम्हन। तो इतने पॉइंट आपको तेलंगाना से भी याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद सारथी योजना के तहत राज्य के 8.5 करोड़ से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने खाद साथी योजना के तहत राज्य के 8.5 करोड़ से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस योजना के अनुसार लोगों को दो रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से चावल और गेहूं मिलेगा। खाद साथी योजना 27 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की जो CM है वो है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर है वो है केसरी नाथ त्रिपाठी। तो इतने पॉइंट आपको वेस्ट बंगाल से भी याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह दिन वैश्विक भूख की समस्या से निपटने के लिए समर्पित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। और 2018 का जो विषय है वो है हमारे कर्म हमारा भविष्य। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और रिपीट करता हूँ, हमारे कर्म हमारा भविष्य। खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना तिथि के सम्मान में हर वर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1945 में FAO खाद्य और कृषि संगठन स्थापित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में कहां युवा सड़क सुरक्षा शिक्षार्थी लाइसेंस कार्यक्रम शुरू किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने नई दिल्ली में युवा सड़क सुरक्षा शिक्षार्थी लाइसेंस कार्यक्रम शुरू किया है और यह कार्यक्रम किसके सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो वो है DIGO इंडिया और रोड ट्रैफिक एजुकेशन संस्थान के सहयोग से संचालित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। और इसका जो उद्देश्य है वो है शिक्षार्थी लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय युवा चालकों के लिए औपचारिक और संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको इस पॉइंट से याद रखना है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर न्यू दिल्ली है, तो दिल्ली के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली के जो CM है वो है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बैजल।
फ्रेंड्स, हम डेली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप आप सभी को ये पॉइंट्स याद हो गए होंगे। मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ है? ये सब न्यू दिल्ली में। तो इतने पॉइंट आपको दिल्ली से याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत कितने करोड़ रुपए की पुरस्कार योजना की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100 करोड़ रुपए। सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की पुरस्कार योजना की घोषणा की है। राज्यों के विद्युत विभाग स्तर पर 100% घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और 31 मार्च 2019 तक, कब तक? 31 मार्च 2019 तक देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सितंबर 2017 में सौभाग्य शुरू की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत कितने बिलियन डॉलर की सरकारी प्रतिभूतियां जीसेक खरीदेगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 120 बिलियन डॉलर। 120 बिलियन डॉलर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह घोषणा की है कि वह ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत 120 बिलियन डॉलर की सरकारी प्रतिभूतियां जीसेक खरीदेगा। भारतीय रिजर्व बैंक प्रणाली से तरलता निकालने के लिए जीसेक बेचता है और प्रणाली से तरलता लाने के लिए जीसेक वापस खरीदता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ आरबीआई की बात हो रही है, तो आरबीआई के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की जो स्थापना हुई है वो है 1 अप्रैल 1935 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। इसके जो फाउंडर है वो है ब्रिटिश राज, और आरबीआई के जो गवर्नर है वो है उर्जित पटेल। तो इतने पॉइंट आपको आरबीआई से याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में निवेश पर संयुक्त अरब अमीरात भारत उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य बल की 6वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। निवेश पर संयुक्त अरब अमीरात भारत उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य बल की 6वीं बैठक मुंबई में आयोजित की गई। भारत जल्द ही निवेश को सुविधाजनक बनाने और दोनों देशों के बीच व्यावसायिक मुद्दों को हल करने के लिए एक विशेष यूएई डेस्क स्थापित करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है, यूएई की बात हो रही है, और मुंबई इसका आंसर है। तो दोनों के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के। यूएई की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। यूएई की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम, और यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो है खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो इतने पॉइंट आपको यूएई से याद रखने। अब फ्रेंड्स, वहाँ आंसर मुंबई था, तो मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है देवेंद्र फडणवीस, और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वो है सी विद्यासागर राव। तो इतने पॉइंट आपको महाराष्ट्र से भी याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में नोकिया ने किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलिया भट्ट को भारत में नोकिया फोन के लिए नई ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। त्योहारों के मौसम को चिन्हित करने के लिए आलिया भट्ट के साथ एक प्रिंट अभियान शुरू किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और 2018 की शुरुआत में नोकिया ने परिणीति चोपड़ा को अपने मोबाइल फोन के चेहरे के रूप में नियुक्त किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ नोकिया की बात हो रही है, तो नोकिया के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नोकिया की जो स्थापना हुई है वही 12 मई 1865 में। नोकिया का जो हेडक्वार्टर है वो है इस्पो फिनलैंड में, और नोकिया के जो सीईओ है वो है राजीव सूरी। तो इतने पॉइंट आपको नोकिया से भी याद रखने। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में 1200 घरों के निर्माण के लिए भारत और किस देश ने 2 MOU पर हस्ताक्षर किए? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सअप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।